subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. सोक्रेटिस की कथा। यह एक सत्य कथा है। एक दिन एक युवक सोक्रेटिस के पास आकर पूछने लगा कि जीवन में सफलता कैसे हासिल की जाती है। सोक्रेटिस ने सिर्फ इतना कहा कि कल मुझे नदी के तीर पर मिलना, वहां मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह युवक दूसरे दिन बताई हुई जगह पर पहुंच गया। सोक्रेटिस ने उस युवक को अपने साथ नदी की ओर चलने के लिए कहा। धीरे धीरे वे घुटनों तक के पानी को पार कर आगे बढ़े। अब पानी गर्दन तक आ गया। इतने में सोक्रेटिस ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। उस युवक ने पानी से बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश की, किंतु सोक्रेटिस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ न कर पाया। वह अंदर घुटकर मरा जा रहा था। तभी सोक्रेटिस ने उसे बाहर निकाला और पूछा, तुम जब पानी के नीचे थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही थी? युवक ने उत्तर दिया, हवा। सोक्रेटिस ने कहा, यही तो सफलता का राज है। तुम्हें जितनी तीव्रता से हवा की जरूरत पड़ी, उतनी ही तीव्रता अगर सफलता प्राप्त करने के लिए रखोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी।